नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गार्डनिंग फॉर श्योर में। आज जो मैं आपके लिए पौधा लेकर के आया हूँ कि बहुत ही खूबसूरत पौधा जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं, और मैं आज ये बताऊंगा कि किस तरह से इसको कटिंग से लगाया जाए। पहले मैं इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस पौधे को बोलते हैं फाइकस स्टार लाइट या फिर स्टार लाइट फाइकस। इसके और भी नाम है जैसे फाइकस बेंजामिना या फिर इसे वीपिंग फिग भी कहा जाता है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि सेमी इंडोर है। ना ही इसको फुल सनलाइट पसंद है, ना ही इसे पूरी तरह से इंडोर रखना है। सेमी इंडोर मतलब एक ब्राइट सनलाइट हमारे घर में आनी चाहिए, जो इस प्लांट पे पड़नी चाहिए, तभी इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी और इतनी सुंदर इसकी लीव्स जो है वो दिखाई देंगी। इसकी अगर मिट्टी की बात करें तो वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गीली हो, ना ही बहुत ज़्यादा सूख जाए। तो मैं आज इसको आपको जो बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसको कटिंग से लगाया जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कटर से हम इसकी ब्रांचेस काट लेंगे। मैं सबसे नीचे की ब्रांचेस ले काट रहा हूँ ताकि मेरा ऊपर का पौधा ख़राब ना दिखे। इस तरह से हम एक शार्प ब्लेड वाला कटर ले करके, आपके पास जो भी टूल हो उससे आप पहले सबसे पहले इसकी कटिंग ले लीजिए। कटिंग लेने के बाद आपके पास जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कटिंग हो उतना अच्छा है। इस तरह से मैंने 3 कटिंग ली है। इसकी लीव्स आप कुछ कम कर दीजिए, और अगर आप नहीं भी कम करते हैं तो भी ये प्लांट जो है वो इजीली ग्रो हो जाता है। आप चाहे तो रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई नेचुरल रूटिंग हार्मोन जैसे कि एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से नीचे से इसको जो है वो शार्प कट कर देना है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और यहीं से रूट का डेवलपमेंट होगा। इस तरह से अलग अलग कटिंग में जो है आपको शार्प कट करना है, जैसे कि हम नॉर्मल कटिंग्स को लगाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इनको लगाना, बस आपके पास जितनी ज़्यादा कटिंग होगी आप उतने ज़्यादा प्लांट बना पाएंगे। बस आपको एक नॉर्मल सा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा, तो वीडियो पर ज़रूर बने रहिए किस तरह से इसको हम जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, इसलिए मैंने पुराने पॉट में इसमें ऑलरेडी अरीका पाम लगा हुआ है, लेकिन साइड साइड में क्योंकि जगह खाली है तो मैं यहाँ पर एक एक करके कटिंग लगा रहा हूँ। ये लग गई दूसरी कटिंग, और ये है तीसरी कटिंग। इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं। मिट्टी पहले से ही गीली है, आप चाहें तो कटिंग लगाने के बाद थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ, कैसा रिज़ल्ट मिला है वो देखते हैं। देखिए, ये है रिज़ल्ट। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 में से एक ही कटिंग जो है वो सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि मैंने रेगुलर वाटरिंग नहीं की, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और देखिए, ये अरीका पाम के प्लांट में लगा हुआ है। इसमें जो सॉइल मिक्सचर था वो गार्डन सॉइल प्लस कंपोस्ट प्लस सैंड इसमें मिला हुआ है, तो ऑलरेडी ये वेल ड्रेन्ड है और इसमें बहुत अच्छे से जो है वो अरीका पाम भी ग्रो कर रहा है लगातार। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी हो, देखिए कितनी अच्छी लीव्स है इसकी, अगर आपके पास स्पेस की कमी हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उस समय मेरे पास जगह की कमी थी, मैंने 3 कटिंग लगाई थी, हालांकि पानी रेगुलर ना डालने के कारण इसमें से एक कटिंग सक्सेसफुल हुई है। तो अगर मैं प्रॉपर इसमें, जैसे अभी पानी है नीचे, देखिए सेल्फ वाटरिंग, अगर नीचे प्लेट रहती है तो सेल्फ वाटर हो जाता है, अगर मैं इसमें पानी सही से मेंटेन करता तो मेरी 3 कटिंग सक्सेसफुल होती, क्योंकि फाइकस में बहुत कम देखा गया है कि ये कटिंग जो है वो फेल हो जाए। बट वो सूख गई एक्चुअल में, अगर वो गीली रहती तो वो सक्सेसफुल होती। तो चलिए मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि इसमें रूट किस तरह से आई है। अभी मैं इसको रिपोर्ट करूंगा निकाल करके। देखिए, इसमें नीचे रूट्स दिख रही होंगी आपको, पूरा प्लांट है, इसमें नीचे रूट आ गई है। इसको मैं अब एक नए पॉट में लगाऊंगा अभी जाके। तो देखिए दोस्तों, मैंने पॉट ले लिया है, इसमें मैगी आता है एक, इसका मैंने वेस्ट जो है इस तरह से, ये सॉइल प्लस, क्योंकि यहाँ पे पूरी गोबर खाद पड़ी हुई है, तो इस गोबर खाद में मैं थोड़ी मिट्टी मिला करके इसको लगाऊंगा इस तरह से। देखिए,
ये यहाँ पर इसकी रूट आ गई है। इतना रख के मैं इसको सूखी सैंड से भर दे रहा हूँ। इसमें सॉइल भी है, सैंड भी है और काऊ डंग कंपोस्ट भी है, तो ये काफ़ी अच्छा मिक्सचर है। इस तरह से इसको भर के प्रेस कर दिया मैंने। अब इसके बाद मेरा जो लास्ट काम बच रहा है वो है वाटरिंग का। तो देखिए इसमें मैं वाटरिंग कर दे रहा हूँ। बहुत सारी मैंने कटिंग लगाई है, बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे फॉक्सटेल पाम के मैंने सीड लगाए हैं। उसको एक लास्ट वीडियो मेरा फॉक्सटेल पाम के ऊपर था, उसमें मैंने बताया था किस तरह से सीड से फॉक्सटेल पाम को उगाया जाए। बैम्बू, येलो बैम्बू पे मेरा वीडियो था। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गार्डनिंग से रिलेटेड तो कमेंट करिए, ताकि मैं आपको उनका आंसर दे सकूं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो इसकी अपडेट मैं आपको दूंगा कुछ दिन बाद, जब ये इसमें और लीड्स आ जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।